स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज का ये ब्लॉगिंग होने वाला है ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग, क्योंकि कल है शरद पूर्णिमा। तो आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन घूमने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी बांसुरी, मतलब बांके बिहारी जी के हाथों में बांसुरी होती है, वो बांसुरी बजाते हैं, बाकी दिन उनके हाथों में बांसुरी नहीं होती है। तो ये साल में एक बार होता है तो जाना तो बनता ही है ना। तो आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा। तो आई होप आप लोगों को भी कान्हा की नगरी में, कान्हा के घर जाके किसको नहीं अच्छा लगेगा, सबको ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और राधे राधे बोलिए, राधे राधे के गुण गाते हुए चलिए हम चलते हैं वृंदावन। आई होप आप लोगों को भी मेरे साथ बहुत मज़ा आने वाला है, तो लेट्स गो। हम आ गए हैं ऐसबाग स्टेशन, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे मथुरा एक्सप्रेस और जाएंगे फिर मथुरा। और ये आ गई हमारी ट्रेन जो है मथुरा सुपर एक्सप्रेस, तो इस पर चढ़ के हम लोग जाएंगे अब मथुरा। और बस रात के, मतलब हम लोग 10 बजे मथुरा स्टेशन पे आ गए थे, और ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ श्रद्धालु। ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मथुरा जंक्शन। यहाँ पे यात्रियों की बहुत ही आज भीड़ है, क्योंकि कल है शरद पूर्णिमा, तो यहाँ पे भीड़ तो होगी। और ये रहा मथुरा जंक्शन, तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और सुबह होगी तो फिर हम लोग जाएँगे बांके बिहारी जी के मंदिर। चुकी सुबह और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और ये है एक आंटी जिनकी तबीयत रात से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये बैठी है, हम लोगों ने इनको पानी वानी और सब ला के दिया, दवा हुआ यहाँ पे लेटी, इनके बेटे आने वाले लेने, लेकिन इनके पास एक बहुत ही मतलब वो है कि इनके पास फ़ोन नहीं है ताकि अपने बच्चों से बात कर सके, ये बहुत दुख की बात है। ये हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं वृंदावन। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे। ये पीछे बैठने में एक अलग ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हाँ वृंदा, मज़ा आ रहा है। हम आ चुके हैं फिर से बांके बिहारी की नगरों में, बांके बिहारी की गलियों में, और सामने बिल्कुल बांके बिहारी जी का मंदिर, और ये रहा पीछे गेट जहाँ से एंट्री होती है। और बस राधे राधे बोलिए, राधे के गुण गाइए, बस हम लोग यही कहते हुए जा रहे हैं, रूम ढूँढ रहे हैं। और फाइनली हमने ये ढूंढ लिया धर्मशाला। ये है युगल विहार धर्मशाला, जो कि बिल्कुल बांके बिहारी जी के मंदिर के पास में ही है। जब भी आप मथुरा आओ तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, बहुत ही कम पैसों में आप स्टे कर सकते हैं। पर हेड 100 रुपये लगता है, और आराम से आपको गद्दे लॉकर वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पर आप आ सकते हो, आपका खर्चा मतलब बच सकता है। और मोटे गणेश के पास है, जब भी आप यहाँ आओ तो बांके बिहारी जी के पास बोलो मोटे गणेश। शाला है जुगल किशोर जी धर्मशाला, तो यहाँ पर हेड 100 रुपये ले रहे हैं और बेड दे रहे हैं, लॉकर दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं यमुना जी। भैया हम आए लखनऊ से, सामान से बताओ उठाए रखे नमा। हम आ चुके हैं यमुना जी स्नान करने, हम अब जाएंगे नाव में उस पर, तो चलिए चलते हैं यमुना जी में। बैठ चुके हैं, अब हम जाएंगे उस पर, और ये रही हमारी यमुना माता। ये हमारी नाव बिल्कुल उस पर जाने के लिए रेडी। बोलिए राधे राधे, श्री राधे राधे। कितना रुपया लगा है यहाँ तक आने में, वो सब बताएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। राधे राधे राधे, ये रहे हमारे कान्हा जो हमारे साथ जा रहे हैं। वाले ने हमें इस बार छोड़ दिया है, ये लेते हैं 20 रुपये और हमें उस पार से इस पार छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा है, उस पर भीड़ भाड़ रहती है, इधर आराम से आके शांति से नहा सकते हैं। देखिए सभी के सभी लोग यमुना जी में नहाने गए हैं, साथ में शीतल जी भी हमारी नहा रही हैं। हेलो, हमने स्नान स्नान कर लिया, अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये जो मैं लास्ट बार आई थी मथुरा, तो गोपी ड्रेस लेकर गई थी, तो वो यहीं पे आके पहन सकते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे लेकर आई हूँ फिर से पहनने के लिए। और यहाँ से लेंगे हम चारा, पहले खिलाएंगे गौ माँ का चारा, उसके बाद जाएंगे मंदिर। गौ माँ को खिला दिया है चारा, अब हम जा रहे हैं। ये
कि हम आ गए हैं यमुना जी के मंदिर, क्योंकि यमुना जी घाट के बिल्कुल पास में है। ये है भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, और इधर है माँ यमुना। शायद दो दो मूर्ति हैं क्योंकि एक मूर्ति नहीं आई है यहाँ पे। और इधर है हमारे शिव जी। तो पहले चलिए पूजा करते हैं, फिर चलते हैं बाकी बिहारी जी के मंदिर। पहले हम लोग जाएंगे राधा बल्लभ, फिर जाएंगे बाकी बिहारी। यहाँ के जो डॉगी भी हैं वो भी बिल्कुल सजे सवरे रहते हैं, इसलिए आप लोग भी सज सवर के ही रहिए, क्योंकि हमारे कान्हा को सजे सवरे लोग ही पसंद आते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा बिल्कुल सजे सवरे रहते हैं हमेशा। ये देखिए हम राधा बल्लभ, अब हम करेंगे राधा बल्लभ जी के दर्शन। बहुत ही भीड़ है, बोलिए राधे राधे। जी फाइनली हम भीड़ रोड से निकलते हुए और आ गए अपने राधा वल्लभ जी के पास। ऐसा कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, तो हम लोग फाइनली तपस्याओं के बाद राधा वल्लभ जी के पास आ गए, और राधा वल्लभ जी हमें साक्षात दर्शन देते हुए भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये दरबार, मतलब दुनिया में इतनी सुकून कहीं नहीं मिलेगी जितनी सुकून यहाँ पर ये है। और मैं तो धन्य हो गई बाबा के दर्शन करके, मतलब कि उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हुए सीधे पहुँचे बांके बिहारी जी के मंदिर। यहाँ पे तो मेरी मम्मा गिर भी गई थी, लोग इतने ज़्यादा लोग थे कि आगे से धक्का लग गया, वो गिर गए, लेकिन फिर भी मतलब बांके बिहारी जी की इतनी शक्ति है कि हम लोग, मेरी मम्मा खड़ी हो गई और आराम से फिर दर्शन वर्शन किया। और उसके बाद हम लोग जैसे कि बांके बिहारी जी दिख रहे हैं साक्षात दर्शन देते हुए, मतलब कि इतने लोगों के बावजूद यहाँ पे दर्शन हो जाता है। उसके बाद जस्ट बांके बिहारी जी के सामने ये रेस्टोरेंट है, फिर पूरी सब्जी शाम है ना, हम लोग बांके बिहारी के दर्शन करके, राधा वल्लभ जी के दर्शन करके, और दोनों मंदिरों के दर्शन करके हम लोग आ गए थे। बहुत ही ज़्यादा धूप थी तो हम लोग कहीं गए नहीं, तो अभी हम लोग शाम हो चुकी है तो हम लोग जा रहे हैं निधिवन। तो चलिए निधिवन होके आते हैं और राधे राधे बोल के आते हैं। बोलो राधे 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 राधे। ये हमारे कान्हा भी जा रहे हैं। और ये देखिए निधिवन के गेट पे इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब कि चाहे होली हो चाहे जन्माष्टमी हो, ये नहीं कि बस उसी दिन भीड़ रहती है, यहाँ पे हमेशा ही इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। और ये निधिवन के अंदर का ये मतलब दृश्य देखिए, अद्भुत दृश्य श्रद्धालुओं की, इनको देख के भक्ति जग जाती है, मतलब कि इतने लोग कृष्ण दीवाने मतलब। और ये जो चीज़ है ये सुकून देने वाले राधा कृष्ण के, मतलब राधा कृष्ण ही है जो वो बिल्कुल विराजमान है, जो रात को यहाँ पे नृत्य करते हैं, इसको देख के मन में एक अलग ही आनंद समाता है। बोलो राधे राधे। और ये सामने हमारी बंसी चोर राधा माँ, जो कि यहीं पे बंसी उन्होंने चुराया था, मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में मैंने बताया हुआ है, और बहुत ही मज़ा आया था मुझे। मैं सच बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो तीन जगह यहाँ पर लगता है, एक तो निधिवन, बांके बिहारी जी और बरसाना, मेरा फेवरेट प्लेस है। और वैसे तो सभी हैं लेकिन यहाँ पे आके एक अलग ही आनंद आता है, मैं तो यहाँ पे आके एकदम पागल सी हो जाती हूँ। मैं सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पे आके झूमना बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे आके बस कृष्ण रंग में उनकी गोपी की तरह झूमते रहो, बहुत ही आनंद आता है। यहाँ पे आके आप दुनियादारी भूल जाओ, बस कृष्ण नाम लो, अगल बगल कौन है सब भूलो, और बस अपने आप में नृत्य करते रहो, एक अलग ही आनंद आता है। निधिवन के दर्शन कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर, क्योंकि प्रेम मंदिर 8:30 बंद हो जाता है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेम मंदिर। बोलो राधे राधे। प्लान हो चुका है चेंज, क्योंकि कन्वेंस नहीं मिल रहा था तो हम लोग प्रेम मंदिर नहीं जा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं आइस्कॉन मंदिर, तो हम लोग जाएंगे आइस्कॉन मंदिर के अंदर। मजा आती है बहुत।
के सामने अब हम चलेंगे आयुष्मान मंदिर। चुका है फिर से चेंज, ना तो हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, ना ही गए आइसकॉन मंदिर, अब हम सीधे जा रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम। लेट हो चुका है, मंदिर होने वाला है बंद, तो हम लोग जा रहे हैं गौरी गोपाल जी। और ये आ गए हम गौरी गोपाल आश्रम गुरुजी के अपने दर्शन करने, जो कि यहाँ पे आके एक अलग ही आनंद समाता है। उनकी मधुर वाणी, उनकी वो मुस्कान बहुत ही प्यारी है गुरुजी की, जो कि एक टक देखते रहो एक अलग ही सुकून मिलता है। सच में लगता है कि साक्षात कान्हा जी बैठे हुए हैं। और ये रहे गुरुजी जो बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं, लोगों से साक्षात हो रहे हैं एकदम अच्छे से, सबसे बहुत ही वेल बिहेव करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सच में। और बिल्कुल सामने गुरु जी बैठे हुए हैं और सब लोग उनका मतलब देखकर आनंद लेते हुए। और ये सामने आपकी इच्छा में जो भी हो वो यहाँ पे दान कर सकते हो। और सामने गुरु जी जो बिल्कुल मुस्कुराते हुए सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए, जो भी फोटो क्लिक करना चाहता है वो करवा सकता है यहाँ पे। और गुरु जी के दर्शन कर लिए अपने, बहुत ही अच्छे से गुरु जी ने हम लोग को दर्शन दिए। अब हम जा रहे हैं ऊपर वृद्ध मानव से मिलने। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, जो लोग घर पे बैठे बैठे सोचते हैं कि ये सब फेक है बस नाम के लिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे ज़रूर आए, एक बार ज़रूर देखें कि यहाँ पे सच में सब कुछ होता है। यहाँ पे वृद्ध माताएँ रहती हैं और हम लोग माताओं की चलिए दर्शन करते हैं। जैसे कि आप लोग को दिख रही है माताएँ बिल्कुल आराम से हैं और उनके साथ उनके गार्ड भी हैं जो उनको गौरी गोपाल आश्रम से निकल आए हैं। और इतनी भीड़ है, ये देखिए लंबी लाइन, भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा है, कन्वेंस भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग पैदल पैदल ही चल रहे हैं और तुम लोग आना तो हेलीकॉप्टर आना। हाँ, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, बस कन्वेंस तो नहीं मिलने वाला, हम अपने आश्रम पे ऐसे ही बाकी भी अभी तक पैदल ही जाने वाले हैं। तो बस ये था आज का मेरा डे, फर्स्ट डे मथुरा में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा